स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात करने के लग रहे थे किसकी, हर्बेरियम की, कि जो माउंटिंग होती है पेपर के ऊपर जो भी प्लांट या फ्लावर क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है, उसके साथ क्या की जाती है, लेबलिंग। तो देखो बेटा, ऐसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी स्पीसीज है, कोई भी प्लांट की स्पीसीज है, कोई फ्लावर है, कुछ भी है, जब उसको इस तरह स्टिक कर दिया जाता है, तो जैसे आप लोगों की नोटबुक पे होता है ना, है ना, कि जब कवर चढ़ा देते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि कौन सी नोटबुक किस सब्जेक्ट की है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस टाइप की लेबलिंग लेके आते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो सेम केस इसका होता है कि इसकी जो डिजाइनिंग होती है ना, ये इस टाइप की होती है। ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरह एक स्टिकर सा लगा दिया जाता है और उसके ऊपर क्या किया जाता है, सारे के सारे नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों के बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और मेडिकल एंट्रेंस के लिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं किसके, हर्बेरियम वगैरह के, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने 2-3 मेंशन किए हैं, बट आपकी जो बुक है उसके अंदर लगभग 10-12 ऐसे इम्पोर्टेंट हर्बेरियम के नाम हैं जो कि याद होने ही होने चाहिए। जैसे कि जो पेरिस के अंदर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, उसमें लगभग 88 लाख स्पेसिमेन हैं जो कि प्लांट्स के क्या कर रखे हैं, प्रिजर्व कर रखे हैं। लंदन का बॉटनिकल गार्डन हो गया, हमारे कोलकाता के अंदर भी एक हर्बेरियम है जिसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। क्लियर? अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम पौधों को, प्लांट्स को सुखा के, प्रेस करके और जब उनको प्रिजर्व करें, और जब पूरे के पूरे प्लांट को ही ग्रो किए करें, है ना, और तब उसको प्रोटेक्ट करें, उनमें आते हैं बॉटनिकल गार्डन, यानी कि पौधों को लगाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे और उनको साइंटिफिक या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। बॉटनी का जो फादर है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन डेवलप किया था। इसके अलावा जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम जी जो थे, वो एक साइंटिस्ट थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि जो हमारा दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति जो भवन है, उसके सामने उन्होंने एक छोटा सा पार्क बनाया और उसके अंदर उन्होंने सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो किया, यानी कि वहाँ पर एक उन्होंने छोटा सा ही खुद का बनाया हुआ एक बॉटनिकल गार्डन बना दिया, जहाँ पर कि सिर्फ ओनली मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो कि हमारा लखनऊ में है, समझ गए ना बेटा। बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट आती हैं इन टूल्स के अंदर हमारे मैनुअल। आपने 10th क्लास में प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई थी, उसके अंदर क्या किया था, आगे से देखा था और पीछे हम लिखते जा रहे थे, यानी कि रेफरेंस, है ना। सिमिलर केस में मैनुअल्स यही होते हैं बेटा, कि ये बुक्स होती हैं जिसमें कि अलग अलग, जैसे कि मान लो कोई बुक ऐसी मिलेगी जो इंसेक्ट्स की है, कोई ऐसी है जो कि सिर्फ ह्यूमन की आपको मिलेगी, कोई आर्थ्रोपोड्स में मिल जाएंगी, कोई किसी में मिल जाएंगी, तो उनके अंदर जब उनकी डिटेल्स लिखी रहती हैं, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, मैनुअल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चे? चलो अब जो नेक्स्ट आते हैं वो आ जाते हैं म्यूजियम। म्यूजियम हम सब जानते हैं क्या होता है, जहाँ पर प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलैब देख रखी है सभी ने, मोस्टली लैब में आप जाते हो, फिजिक्स लैब भी होती है, केमिस्ट्री लैब भी होती है, लेकिन बायो लैब के अंदर अलग अलग जो चीज़ें रहती हैं उनको प्रिजर्व कर रखा है ना, कांच के जार, ग्लास के जार्स होते हैं, उसके अंदर केमिकल रहता है और उस केमिकल के अंदर क्या कर रखा है बच्चे, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जो वो स्पेसिमेंस होते हैं उनमें एक अजीब सी स्मेल आती है, आती है ना, वो किस लिए आती है, कि ये लोग खराब ना हो जाएं, ठीक है, इस चीज़ के लिए उनके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है, और उनको खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल मिलाया जाता है उसका नाम है फॉर्मेलिन। इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, कीट पतंगे बेचारे, तो उनको क्या किया जाता है, उनके लिए पर्टिकुलर बॉक्स आते हैं जिनको कि हम इंसेक्ट बॉक्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उनको मार के और प्रोटेक्ट किया जाता है। देखो पिनिंग, पिनिंग का मतलब क्या होता है, छोटा सा ही तो है बेचारे में, आप एक पिन चुभो दो वो तब की तब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसके अलावा बेटा जो बड़ी बड़ी लैब या बड़े बड़े जो म्यूजियम्स होते हैं, वहाँ पर जो बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर
जैसे कि मान लो उनका स्केलेटन बनाया या कुछ भी बनाया और भूसा भर देते हैं, भूसा का मतलब कॉटन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ भर देते हैं ताकि वो लोग रखे रहे वहाँ पर। क्लियर समझ गए ना कि क्या नाम है? म्यूजियम्स। म्यूजियम मोस्टली आप सब जानते हो बेटा। मैं ओनली इसमें इतना ही सेलेक्टेड इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये कुछ खास नहीं है, आप सारे जानते हो कि म्यूजियम्स क्या होते हैं, है ना। इसमें मटेरियल्स का रिकॉर्ड वगैरह होता है, रिसर्च वगैरह के लिए भी लोग जाते हैं, एजुकेशनल जो पर्पज़ होता है उसके लिए भी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? जूलॉजिकल पार्क, जू, चिड़ियाघर बोलते थे, है ना, सारे जानते हो उसके बारे में। अगर अब हम उस टर्म की बात करें, आज के टाइम पे जो जू वर्ड है उसको हटा के उसकी जगह क्या यूज़ करने लगे? जूलॉजिकल पार्क। पहले क्या किया जाता था बेटा कि जानवरों को जंगल में से निकाल के जेल में डाल देते थे, है ना। जेल ही तो होती है जब उनके नेचुरल होम में से आप उसको निकाल दोगे। तो इसकी वजह से यो कहते हैं ना कि जंगल का शेर को भी अगर आप पिंजरे में रखोगे तो वो लड़ना भूल जाता है। किस लिए? क्योंकि वो अपनी नेचुरल हैबिटेट से बहुत दूर आ चुका है। आज के टाइम पे क्या करने लग गए कि पूरे के पूरे जंगल को ही प्रोटेक्ट करने लग गए। लोगों का मानना है, गवर्नमेंट का मानना है कि अगर जानवर को बचाना है तो उसको उसके घर में ही क्या कर दो, बचा दो, है ना। हमें बचाना था इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, कोरोना फैल रही है घर पे बैठो, घर से ही पढ़ाई करो। तो सिमिलर वे में जूलॉजिकल पार्क, देखो बॉटनिकल गार्डन क्या थे, जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क वो होते हैं बेटा एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को उनके नेचुरल होम के अंदर ही रखा जाए, ठीक है। उनको हम क्या नाम देते हैं? जूलॉजिकल पार्क के नाम से जानते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से जूलॉजिकल पार्क हैं। मे भी हो सकता है कि आपने एक आधे का नाम सुन भी रखा होगा। जैसे कि एक आधे का जब हम बात करेंगे, एक तो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि हमारी दिल्ली में ही है ना। एक है नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि है हैदराबाद के अंदर। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा कि एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और जो सबसे पहली वीडियो थी उसके अंदर एक टर्म आई थी की, आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। दो फ्रेंड्स थे या एक बंदा था, जब वो मेट्रो स्टेशन या फिर वो मान लो बाई चांस कहाँ पर उतरा, रेलवे स्टेशन पर, दो चोर आए और उन्होंने उसके पर्स को क्या कर लिया, चोरी कर ली। जब वो पुलिस के पास गया कंप्लेन फायर FIR करवाने के लिए, तो पुलिस ने देखो उससे वो क्या करती है, पूछती है ना, हाँ भाई कितने थे? उसने कहा कि दो थे। अच्छा उनकी हाइट कैसी थी? तो वो क्या कहेगा कि जिसने छीना था वो कैसा था, छोटी हाइट का था। अब फिर पुलिस क्या कहेगी, कैसा था कलर, ठीक है, उसका हुलिया पूछती है ना, सारा सारा पूछती है। फिर उनको ये लगता है कि भाई अगर बाई चांस उनकी हिस्ट्री में कोई ऐसा चोर है जो कि क्या है, जेब कतरा, है ना, तो क्या कहेगा, अच्छा क्या जिसने चोरी की उसके मुँह के ऊपर कोई कट था? हाँ 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 उनमें से एक था जिसके मुँह के ऊपर क्या था, कट था, ठीक है। तो अब वो पुलिस ने क्या किया, उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए और कहा कि क्या इनमें से कोई है, उसने उसको पहचान लिया। तो देखो बेटा इसके अंदर क्या हुआ कि उनको हिंट मिलता गया, हाँ भाई कौन था, कैसा था, है ना। यही होती है कि प्लांट्स या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए की बनाई गई है ताकि उनका जल्दी से पता चल जाए। लाखों करोड़ों हैं, एक एक के बारे में हम पता नहीं कर सकते, है ना। तो जो ये की होती है दो टाइप की होती है, इंडेंटेड, और जो दूसरी होती है उनको हम क्या नाम देते हैं, ब्रैकेटेड। इंडेंटेड दो ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में जो सही होगा हम उसको लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें रहेगा स्टेप बाय स्टेप चलना। तो मैंने नेट पर से, यूट्यूब पर से ही इन इंडेंटेड और ब्रैकेटेड जो की थी इनके एक एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको दिखाती हूँ। देखो बेटा कोई साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर, ये है इंडेंटेड की का एग्जाम्पल, ठीक है। उसको एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी की जो स्किन है वो ड्राई है। अब जो की रहेगी, की ने क्या देखा कि आपको जो मिला है उसकी जो स्किन है वो कैसी है, ड्राई है या नहीं है,
है ना। तो देखो उसको ऑप्शन दिया कि भाई उसकी स्किन कैसी है, ड्राई है या नहीं है। तो अगर उसने ये देखा कि नहीं उसकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं है, यानी कि जो चीज़ उसको मिली वो क्या है, सेलामेंडर। लेकिन अगर उसने ये देखा कि हाँ भाई है, तो अब है के बाद क्या देखेंगे कि उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं या फिर नहीं है। अगर हेयर्स नहीं है तो वो क्या मिलेगी, लिजार्ड। और अगर है तो अब उसके अंदर देखे जाएंगे अपोजिट थंब। अपोजिट थंब का मतलब समझे, जैसे हमारा ये है, हमारा जो अंगूठा है जो थंब है वो अपोजिट है ना। तो अगर अपोजिट थंब नहीं है तो यानी कि वो क्या है, टाइगर। लेकिन अगर है तो अब ये देखो कि वो अपने दो पैरों पे चलता है या चार पैरों पे, है ना, बाईपैडल लोकोमोशन। अगर वो बाईपैडल लोकोमोशन नहीं है तो गोरिल्ला, और अगर है तो यानी कि हम। तो देखो बेटा एक ऐसा ये की बनी हुई है, अब वो उससे मैच करता जा रहा है। तो देखो हर स्टेप पे उसको दो ही ऑप्शन मिले, मैंने क्या कहा था कि हर स्टेप पे उसको क्या मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे। और ये जो दो ऑप्शन है ये उसको आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3C, 4A और 4B, है ना, कि है या नहीं है। तो इस तरह वो उसको पता चल जाएगा कि जो चीज़ उसको मिली वो एक्चुअल में क्या होती है। इन टाइप की को हम बोलते हैं इंडेंटेड। दूसरी आती है ब्रैकेटेड। ब्रैकेटेड इस वे में होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। कैसे कि मान लो किसी को कोई चीज़ मिली, तो देखो इसमें भी ऑप्शन है लेकिन स्टेप्स पे जाना पड़ता है। जैसे उसमें यस नो था, इसमें देखो अगर उसके आठ पैर हैं तो उसको कह रहा है कि आप स्टेप दो पे जाके देखो कि वो क्या चीज़ हो सकती है, और अगर आठ से ज़्यादा हैं तो आप कौन से स्टेप पे जाओ, तीसरे स्टेप पे जाओ। ये भी मैंने यूट्यूब पर से ही कहीं से सर्च करके लिखा है। फिर कहता है कि उसकी जो बॉडी है अगर वो ओवल शेप की है तो चौथे स्टेप पे जाना पता करने के लिए, और अगर उसकी बॉडी में है रीजन, बॉडी के रीजन का मतलब जैसे कि हमारी है नेक है, एब्डोमेन है, तो आप जाओ पांचवें स्टेप पे। तो देखो तीसरे स्टेप पे जब बोला था तो तीसरे स्टेप था ना कि तीसरे पे जाओ, तो कहता है कि उसके हर बॉडी सेगमेंट पे एक पेयर है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी सेगमेंट है और हर बॉडी सेगमेंट पे एक पेयर क्या है, लेग्स, ओनली वन पेयर, समझ गए ना। तो अगर इस टाइप का वो है तो यानी कि वो है सेंटीपीड। ये सेंटीपीड या मिलीपीड आप सब जानते हो, वो जो येलोइश कलर की होती है जिसको कि आप क्या बोलते हो, कान खजूरा, वो क्या होता है बेटा, सेंटीपीड होता है। लेकिन अगर उस जो मिला है इंसेक्ट, अगर उसकी बॉडी पे दो पेयर लेग्स हैं तो यानी कि वो क्या है, मिलीपेड। क्लियर। फिर देखो एक स्टेप ऐसा भी था जिसने क्या कहा था, चौथे स्टेप पे जाओ अगर उसकी बॉडी कैसी है, ओवल शेप की। चौथा स्टेप कहता है कि अगर वो एक मिलीमीटर से कम लेंथ का है तो वो है माइट, लेकिन अगर एक एमएम से ज़्यादा लंबा है तो है टिक। टिक और माइट, है ना, चिचड़ वगैरह जो कि हमारी भैंसों पे और मोस्टली कैटल्स पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक स्टेप ऐसा भी आया था जिसने कि कहा था पाँचवें पे जाओ अगर उसके दो बॉडी रीजन्स हैं, क्लो लाइक पिंसर्स, पिंसर्स पंजे, ठीक है, नोच खाने वाले, चुभने वाले, क्लो क्या होता है, पंजा, तो आप जाओ सिक्स्थ पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या है, स्पाइडर। और सिक्स्थ पे हमने देखा कि अगर उसके पास इसके अलावा लंबी टेल है, और टेल स्टिंज, स्टिंजर होता है बेटा डंक, और डंक किसके पास मिलता है ना, बिच्छू का जो डंक रहता है उसके पीछे रहता है ना टेल के ऊपर, तो ये वाली जो की थी। तो देखो अगर ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक ही एग्जांपल दिखाया है इंसेक्ट्स का, इस तरह बेटा बहुत सी चीज़ रहती हैं जो कि इस चीज़ में हेल्प करती है, समझ गए ना। कि जो इंडेंटेड की होती है उसमें दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन जो ये ब्रैकेटेड की होती हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। क्लियर। तो ये वाला जो था ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, इस यूनिट के, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।